बटरफ्लाई पोज इज़ द बेस्ट आसन बटरफ्लाई पोज करने के लिए दोनों पैर को ऐसे मिलाइए दोनों नीज आपके दूर रहेंगे एन टू फ्लैप योर थाइज दिस वे कॉन्स्टेंट अप एंड डाउन ये करने के लिए पहले हम वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे दोनों पैर को बाहर की ओर स्ट्रेच करिए फिर आपका राइट right लेग को फोल्ड करें लेफ्ट थाई के ऊपर रखिए अभी आपका राइट right हाथ से राइट right घुटने को थाई को अप एंड डाउन मूव करना है ताकि आपके थाइस हैमस्ट्रिंग मसल्स थाई जॉइंट्स ओपन होंगे और आप बटरफ्लाई पोज इस ये एक्सरसाइज ये वार्म एक्सरसाइज के बाद अच्छे से कर पाएंगे इसके टेन रिपीटेशन्स के बाद प्रेस करके रखिए सामने देखिए फील द स्ट्रेच स्लोली लेफ्ट योर लेग अप एंड स्टे ह्योर फॉर फ्यू काउंट्स ब्रिंग इट डाउन पैर को स्ट्रेट करिए दूसरे पैर को फोल्ड करिए लेफ्ट लेग ऑन याइट थाई लेफ्ट हाथ से लेफ्ट घुटने को पकड़िए और इसकी साइड भी दस रेपिटेशंस करें वार्म के बिना बटरफ्लाई पोज करना में बी अबिट हार्मफुल फॉर योर थाई जॉइंट्स एंड हैम्पस्ट्रिंग्स सो so, ये एक्सरसाइज होने के बाद ही बटरफ्लाई पोज में करें पैर को लिफ्ट करें ऊपर थोड़ी देर रुके इधर स्ट्रेच महसूस करें और फिर धीरे से दोनों पैर को स्ट्रेट करिए अभी हम प्रॉपर बटरफ्लाई पोज करेंगे तो प्रॉपर बटरफ्लाई पोज के लिए दोनों पैर को ऐसे मिला लीजिए नमस्कार पोजिशन में दोनों हाथों से लॉक करिए दोनों पैर को दोनों घुटने ऐसे स्प्रेड और फिर थाइस को अप एंड डाउन मिलाने हैं ध्यान रहे कि आपकी बैक स्ट्रेट है अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप दोनों हाथ घुटने के ऊपर रख के भी मूवमेंट कर सकते हैं दिस इज़ वेरी गुड फॉर यर रीप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसके आप थर्टी फिफ्टी कई बार आप हंड्रेड रेपिटेशन भी कर सकते हैं सो प्रैक्टिस दिस आसन एंड सी द मैजिकल रिजल्ट्स दोनों पैर को ऐसे सामने की ओर भी रख सकते हैं आप फार फ्रॉम योर थाई जॉइंट्स दोनों हाथ से टो को पकड़िए और बेंड फॉरवर्ड यूल फील अ वेरी नाइस स्ट्रेच ऑन योर हैंड स्ट्रिंग्स एंड योर थाई जॉइंट्स अ वेरी गुड मसाज फॉर योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स धीरे से वापस आए I'll see you in my next video. Thank you. Namaste. Thanks for watching.